हेलो दोस्तों, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर पर। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2023 में, जो स्टूडेंट की काउंसलिंग चल रही थी। ठीक है, कल लास्ट डेट थी 20 तारीख स्टूडेंट की काउंसलिंग की लास्ट डेट थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने काउंसलिंग तो कर ली थी, लेकिन वहाँ पर लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा था। बाद में कल 3 बजे शाम के आपका लॉक का ऑप्शन चालू हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सोचा क्या था कि ऑटोमेटिक लॉक होने का ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, लेकिन कुछ कारणों से ऑटोमेटिक लॉक नहीं हुआ और लॉक का ऑप्शन 3 बजे दे दिया गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट का लॉक का ऑप्शन छोड़ गया था, तो लॉक नहीं कर पाए थे। तो उनके लिए यहाँ पर फुल अपडेट देने वाला हूँ, और जो स्टूडेंट के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए भी अपडेट दूंगा। और यहाँ पर बात होगी दोस्तों कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट कब आएगा। ओके, तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका 24 लाख नहीं किया तो क्या करें। देखो, आपने अगर 24 लाख नहीं किया है तो एक बार सर्च करिए क्या ऑटोमेटिक लॉक हो गया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मेरे पास भेज रहे हैं कि सर हमारा हमने लॉक नहीं किया था तो हमारा ऑटोमेटिक लॉक हो गया है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का ऑटोमेटिक लॉक हो गया है उनके लिए तो खुशखबरी है, उनकी काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, उनका फर्स्ट राउंड में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का रिजल्ट आपका कल आने वाला है, यानी कि 22 तारीख को आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, और 23 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और 23 तारीख से आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो जिन स्टूडेंट का 24 लाख नहीं हुआ है, अगर उनका नहीं हुआ है ऑटोमेटिक भी लॉक नहीं हुआ है, तो वो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बिग न्यूज है कि वो स्टूडेंट क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में फिर से अपनी काउंसलिंग कर पाएंगे। 23 तारीख को अपनी काउंसलिंग फिर से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कर पाएंगे, और अब कॉलेज फिलअप कर पाएंगे और ऐड कर पाएंगे और हटा भी सकते हैं। ओके, और लॉक कर दीजिएगा, आपकी बार गलती मत कीजिएगा। सेकेंड राउंड में नहीं कर पाएंगे चॉइस फिलिंग, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप लोग सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर 24 लाखिंग का ऑप्शन आया था, ठीक है, शाम के कल आया था, लेकिन आप लोग ने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि जीकप ने बहुत गलत किया है। बाद में 24 लाखिंग का ऑप्शन कौन देता है, या पहले से वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन दे दिया होता, यहाँ पर कोई रिटर्न नोट्स दे दिया होता कि हम 24 लाखिंग का ऑप्शन आ सकता है, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, तो आप लोग को वहाँ पर अप्लाई रिप्लाई मिल जाता, तो आप लोग आराम से अपना 24 लाखिंग कर लेते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब किए थे, उनको तो मैंने बता दिया 2-3 बार लाइव आकर भी शाम तक बता दिया, और वहाँ पर वीडियो बनाकर भी 2-3 डाल दी थी। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़े थे, तो उनको दिक्कत हुई है, उनके दिक्कत के लिए हमें खेद है, उनके परेशानी के लिए हमें खेद है। ओके दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग जुड़ जाइए, अब कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर आपको बता देंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, यही न्यूज़ देनी थी आपकी 24 लाख की प्रक्रिया को लेकर, आपको जो मैंने प्रोवाइड करा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।